हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुक विद सुहाना में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे प्रॉन्स ग्रेवी। तो सबसे पहले हम मसाला इसका तैयार कर लेते हैं। उसके पहले हम गैस ऑन करेंगे। पैन गरम हो चुका है, इसमें अब हम तेल डाल लेंगे। तेल गरम हो चुका है, इसमें अब हम प्याज डाल रहे हैं। दो प्याज लिए हमने बड़े साइज का। तीन से चार हरी मिर्ची कटी हुई। अब ये लौंग, गोलमरीच और इलायची है हमने लिए इसमें। ये मसाला अब तैयार हो गया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। उसके बाद इसका एक अच्छी तरह से पेस्ट हम बनाएंगे। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। अब ये मसाला ठंडा हो चुका है, इसको अब हम पीस लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसको ये मसाला तैयार है, हमने पीस लिए हैं। अब हम प्रॉन्स बनाते हैं। हमने 300 ग्राम प्रॉन्स लिए हैं। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, मिर्ची पाउडर, नमक। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, इसको हम भून लेंगे। अब मैं गैस ऑन कर लेती हूँ। इसमें अब हम तेल डालेंगे। तो हमें ज्यादा तेल में इसमें भूनना नहीं है, तो हम कम तेल डालेंगे। इसमें 2 चम्मच ही तेल डालेंगे। अब प्रॉन्स हम डाल देंगे। तेल गर्म हो चुका है। ऐसे भी प्रॉन्स भूनने के टाइम इसमें से थोड़ा पानी सूखता है, फिर बाद में वापस पानी सूख जाता है। इसका खुशबू भी बहुत अच्छी आता है प्रॉन्स का। प्रॉन्स फिश मेरा फेवरेट है, लेकिन इससे मुझे कभी कभी एलर्जी भी हो जाती है, तो मैं तो इसे थोड़ा कम ही खाती हूँ। बट आप बनाइए और खाइए। अभी पानी सूखने के लिए आया है, यानी अब प्रॉन्स अच्छी तरह से भून चुका है। अब ये भून चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। देख रहे हैं अच्छी तरह से हो चुका है। ये भूनने के बाद इसका खुशबू कुछ अलग ही आता है, जो बहुत अच्छा लगता है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। चलिए अब गैस ऑन कर लेती हूँ। प्रॉन्स का मसाला हम तैयार करते हैं। इसमें हम तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम मसाला डालेंगे जो हमने तैयार करके रखे हैं। इसे अच्छे तरह से हम चलाते रहेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे।
अच्छे तरह से मिक्स करना है इसे, तो भुनना भी है अच्छे तरह से, नहीं तो अदरक लहसुन का वास आएगा कच्चा पेस्ट का जो है। अब इसमें मसाला डालने हैं, हल्दी आधा चम्मच, मिर्ची पाउडर एक चम्मच, जीरा पाउडर एक चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच, और ये जो मिर्ची पाउडर हमने डाला है ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसमें तीखा नहीं होगा। ऑलरेडी मसाला में हमने पहले हरी मिर्ची डाले थे तीखा होने के लिए, तो ये सिर्फ कलर के लिए है। अच्छी तरह से मसाला पकना चाहिए। अब इसमें हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा पानी, मसाला अच्छी तरह से पक चुका है, जो साइड से जो देख रहे तेल आया है इसका मतलब मसाला अच्छी तरह से पक चुका है, साइड से तेल छोड़ना मसाला का ये सिग्नल है कि अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें हम दही डालेंगे, 100 ग्राम दही है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। दही डालते ही मसाला में एक अलग ही कलर आ चुका है, वो कलर दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। बस इसे अब हमें 5 मिनट स्लो में पकाना है मसाले को। अब ये दही में से भी अच्छी तरह से मसाला में तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब दही का जो हमने डाले थे उसका मसाला भी अब अच्छी तरह से पक गया है। अब मसाला अच्छी तरह से तैयार है, अब इसमें हम प्रॉन्स डाल लेंगे। अब ये प्रॉन्स तैयार है, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्रॉन्स बनाइए, दिखने में अच्छा लग रहा है तो खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। अब इसमें हम थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डालेंगे, अब ये प्रॉन्स ग्रेवी तैयार है। अब ये पूरी तरह से तैयार हो गया है, तो प्लीज मेरी ये रेसिपी आप सभी को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो आप सबसे पहले देख पाए, ज्यादा से ज्यादा मेरा वीडियो शेयर कीजिए।